नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फाइनल रिवीजन की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन। किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, वर्ष 1978 में हुआ था हमारा 44वां संशोधन, और जिसके अंतर्गत आंतरिक अशांति के स्थान पर हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन जो है वो वर्ष 1992 में किया गया था। और दोस्तों संविधान का 73वां संशोधन जो है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 73वें संविधान संशोधन का जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध है हमारे पंचायती राज से, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णयों पर किस अनुच्छेद के तहत पुनर्विचार कर सकता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, अर्थात अपने पूर्व निर्णयों को बदल भी सकता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम में संशोधन करके मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग को स्वीकार कर लिया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग करके वोटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले आज की क्लास में हम। दोस्तों निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्ति राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और APJ कलाम, ये तीनों ही जो है राष्ट्रपति होने से पहले कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत नहीं थे। तो यहां से विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, तो दोस्तों उपर्युक्त प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 में, जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 155, तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए। और दोस्तों इसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र नियुक्त करेगा, तो यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है, सैंधव निवासी लोहे का प्रयोग बहुत कम करते थे, यह कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो गौडवाहों के लेखक जो थे वो कौन थे? वो थे वाकपति। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वाकपति जो है गौडवाहों के लेखक थे, बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहां से इस प्रश्न के लिए जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ किया, और यह प्रतीक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी, यह प्रतीक मुद्रा जो वो तांबे की बनी हुई थी, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में रखिए। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें दास प्रथा की समाप्ति, तो यह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल ठीक है, दास प्रथा की समाप्ति हुई थी दोस्तों 1562 में। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तो दोस्तों यह कब हुई थी? यह हुई थी 1563 में। उसके बाद अगर हम बात करें जजिया कर की समाप्ति, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों, और इबादत खाना की स्थापना की थी वर्ष 1575 में। तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना कर दी गई थी दोस्तों। तो यहां से
रविदास, तो मतलब सबसे पहले आएगा हमारा रविदास की, दास की प्रथा खत्म कर दी गई थी, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा तीर्थ यात्रा। तीसरे नंबर की बात करें तो इबादत खाना तीसरे नंबर पे आएगा, और जजिया कर की समाप्ति जो है वो सबसे लास्ट में 64। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, इबादत खाना। तो तीनों चारों का ही क्रम बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हम देखें तो पहले दूसरे तीसरे चौथे क्रम में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि अवध के स्वायत्त शासक राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सादत खान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम किस लेख में प्रतिपादित किया था? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम लंदन में 1867 में, तो दोस्तों आप याद रखिएगा लंदन में 1867 में छपे अपने इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, तो यहां से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में प्रस्तुत किया था। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन लोकहितवादी के उपनाम से विख्यात था? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख, बिल्कुल ठीक है गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के उपनाम से भी विख्यात थे, तो यहां से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, और इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस हड़ताल में गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों विचार करके बताइए कि किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बिल्कुल ठीक बात करें दोस्तों, अगर हम सत्यजीत रे की बात करें तो वर्ष 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर हम विधान चंद्र राय की बात करें तो वर्ष 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों मोरारजी की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है वर्ष 1991 में इन्हें, जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो इन तीनों को ही जो है भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि सोहराब मोदी भारत रत्न से सम्मानित किए गए नहीं है, तो यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा उत्तराखंड राज्य से नहीं लगती है? दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शामली की जो है सीमाएं उत्तराखंड राज्य से नहीं लगती है, बाकी मुरादाबाद पीलीभीत और रामपुर इन तीनों ही जिलों की सीमा जो उत्तराखंड से लगती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम कारखाना कहां पर स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है, तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह जो कारखाना है यह ना केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना अफीम कारखाना भी है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है वहीं पर स्थित है, तो यहां से आपका विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारतीय जनजातियों के बारे में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों विचार करके बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो दोस्तों गरासिया जनजातियां जो है वो गोवा में पाई जाती है, यह कथन सत्य नहीं है। कारण क्या है कि गरासिया जनजातियां जो है वो राजस्थान और गुजरात के राज्यों में पाई जाती है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कारण क्या है क्योंकि पेनिन श्रृंखला जो है वो कहां पर है, वो इटली में स्थापित ना होकर कहां है इंग्लैंड में स्थित है, तो यहां से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर हम बात करें माउंट डेनाली की तो माउंट डेनाली जो है यूएसए का सर्वोच्च पर्वत है, तो यहां से बिल्कुल ये सही है। अगर बात करें दूसरे तीसरे ऑप्शन की बाज, जी दोस्तों
जेस्की, तो यह फ्रांस में स्थित है और यह एक ब्लॉक पर्वत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि निम्न विकल्पों में से कौन जो है वो सही से सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए किंगडम ऑफ इस्तावनी जो है वो उसका स्वाजीलैंड से कोई भी संबंध नहीं है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही सम्मिलित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से हिमालय के बारे में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालय को तिब्बत से अलग करते हैं, यह कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, इसमें जियोसिंक्लाइन चट्टाने सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती है, और हिमालय के अग्रभ्रंश जो है हिमालय को, जी दोस्तों अग्रभ्रंश शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करते हैं, तो यहां से कथन जो है सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काला सागर निम्नलिखित में से किस देश से सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें काले सागर की, तो काला सागर कुल 6 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में यह है रूस और यूक्रेन से, पूर्व की बात करें तो दोस्तों जॉर्जिया, और दक्षिण में बात करें तो टर्की, और पश्चिम की बात करें दोस्तों तो बुल्गारिया और रोमानिया देश से है, तो यहां से ग्रीस का कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सभी से बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो बिल्कुल जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की, क्योंकि यहां पे सेबी जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2018-19 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम दिए गए, निम्न में से कौन ऐसा है जिसे वर्ष 2018-19 में हानि हुई है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को वर्ष 2018-19 के वित्तीय वर्ष में घाटा हुआ था, तो यहां से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जी दोस्तों ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्न में क्या शामिल है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में, तो हम बात करें बिल्कुल ठीक है, CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, और ब्याज दर का अविनियमन। तो यहां से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही कार्य जो है भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकसित किया गया है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, UNDP के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक विकसित किया जाता है, तो यहां से दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। 2012 में भारत सरकार ने गरीबी माप की विधि पर नए दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में विशेष समूह की स्थापना की थी? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन है, तो दोस्तों चारों कथनों पर विचार कीजिए जल्दी से और बताइए कि दिए गए कथनों में से कौन एक जो है वो असत्य हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगते कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ग्रेफाइट ठोस स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है। बाकी कथनों की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, कार्बन के यौगिकों की संख्या जो है सबसे कम होती है, यह भी बिल्कुल सत्य है, और दोस्तों हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के रूप के बस 2 अपर रूप है, तो ये तीनों ही बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें
ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाली चिड़िया का पता लगाया है? तो दोस्तों विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 2019 में करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाली चिड़िया जिसका नाम है व्हाइट बिलबर्ड का पता लगाया था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां हुआ था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 18 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में इंडिया एनर्जी फोरम द्वारा 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019 का आयोजन किया था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों चार ऑप्शन पे जल्दी से विचार करके बताइए कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन कहां किया गया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 19 और 20 जुलाई 2019 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमारी राजधानी नई दिल्ली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 29 अगस्त 2019 को बजरंग पूनिया को कुश्ती के लिए और दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक्स के लिए संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 6ठा वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी, देखिए दोस्तों 13 से 17 मई 2019 के मध्य जेनेवा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का 6ठा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल ठीक है दोस्तों। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश है हमारा ताइवान। तो यहां से विकल्प बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2019 में अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया था? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 13-14 फरवरी 2019 के मध्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 5वें अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यह सम्मेलन कौन से नंबर का था? तो यह 5वां अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, उन 26 मई से 9 जून 2019 के मध्य रोवा गैरोस स्टेडियम पेरिस में संपन्न फ्रेंच ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का थाई संस्करण लॉन्च किया है? जी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के महान संत जी दोस्तों के द्वारा रचित तिरुक्कुरल का थाई संस्करण लॉन्च किया है। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेश सेवक ग्रह का संस्थापक है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी जीडी कुमार तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने राज्य मुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से वर्ष 1878 में वीरेशलिंगम ने राज्य मुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहां से जिन्होंने भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बताया, वेरी गुड, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर स्थित सूर्य के मंदिर मारतंड मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों चार ऑप्शन पे विचार करके बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ललितादित्य मुक्तपीठ इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो कब किया गया था? तो दोस्तों उनके कार्यकाल जो कि 724 से लेकर 760 तक रहा था, उसके मध्य इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में स्थविर और महासांघिक का विभाजन किस संगीति में हुआ था? तो दोस्तों विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति में यह हुआ था। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मोहर बनाने भार भाप के बटखरे बनाने का काम होता था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, चन्हुदड़ो जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन यहां के पहले गवर्नर थे। तो यहां से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो माउंटबेटन के पश्चात सी राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी गोपालाचारी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के सेनापति जनरल नियाजी ने भारतीय सेनापति जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 जनवरी को नहीं 28 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों बाकी बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, और किसान दिवस जो है वो भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यहां पर जनवरी की जगह हो जाएगा दोस्तों फरवरी, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कुछ हवाई अड्डों के नाम दे रखे हैं और सामने आपको उससे संबंधित शहर के नाम दे रखे हैं, तो जल्दी से बताइए, यूपी स्पेशल प्रश्न है ये। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दोस्तों यह कहां पर स्थित है? बिल्कुल ठीक है, यह है मेरठ में स्थित, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अगर हम लखनऊ की बात करें तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि लखनऊ में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लो इनकम निम्न आय इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बैंक शाखाओं की अधिकता साक्षरता और अधिकाय, ये तीनों ही सफलता में बाधक नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा थी, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि जीएसटी को लागू करने के पीछे निम्न में से क्या उद्देश्य थे? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, भारतीय बाजार में एक रूपता आएगी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम योजना को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2019 में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहां किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 4 से 6 नवंबर 2019 के मध्य लंदन यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन किया था। तो दोस्तों यहां से आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की पहली अल्ट्रा फाइट हाइपर लूप परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दुनिया की पहली अल्ट्रा फाइट हाइपर लूप परियोजना की स्थापना महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के मध्य स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2019 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, सितंबर 2019 में वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यहां से याद रखिएगा, वियतनाम इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2019 में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड लॉन्च किया था? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, 17 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भूटान में रुपए कार्ड लॉन्च किया था। तो दोस्तों यहां से आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत TN सेशन के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, वह भारत के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों यह कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि वह चुनाव आयुक्त के पद पर कार्य तो कर चुके हैं, मगर वह भारत के 12वें चुनाव आयुक्त ना होके भारत के 10वें चुनाव आयुक्त के पद पर कार्य किए हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह है राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किया जाएगा स्थापित, तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 5वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो विचार करके बताइए दोस्तों। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G7 के 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, 24 से 26 अगस्त के दौरान मध्य फ्रांस के बियारिट्ज में G7 के 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल कलवरी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी कौन है? तो दोस्तों विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, INS खंदेरी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार जो है श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेरेना विलियम्स को हराकर US ओपन 2019 का महिला एकल खिताब जीता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि चारों दिए गए ऑप्शन में से। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों कनाडा की टेनिस खिलाड़ी है बियांका एंड्रेस्क्यू, और इन्होंने ही सेरेना विलियम्स को हराकर महिला एकल खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 6 मार्च 2019 को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की सूची जारी की गई थी, और इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
मार्च 2019 में किस राज्य में अटल आहार योजना का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 7 मार्च 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अटल आहार योजना का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, पेंसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक होता है वो निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल ठीक है, पेंसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है? तो दोस्तों बताइए कि जल वाष्प में जो ऊर्जा भंडारित होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, वह एक प्रकार की गुप्त ऊष्मा होती है। तो यहां से आपका विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वार्षिक वलियों के आधार पर किसी वृक्ष की आयु को ज्ञात करते हैं, क्या कहलाती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि वृक्षों की आयु जो है पता करने के लिए हम किस लॉजिक का प्रयोग करते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विचार करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ट्राइटियम बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसमें जो है वो जिंक तत्व पाए जाते हैं। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ये सब हम जानते हैं, जो अग्नाशय से स्रावित होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा विटामिन है जिसे प्रतिसंक्रमणीय विटामिन कहा जाता है, जिसे हम एंटी इंफेक्शन विटामिन के नाम से भी जानते हैं? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए जो है वो एंटी इंफेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? जी दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों आपको एक सिद्धांत पढ़ा होगा बेविग्योर का, तो बिल्कुल ठीक है, बेविग्योर में पहला शब्द आता है वी, और वी से होता है वायलेट, और वायलेट का मतलब बैगनी। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी चीन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, म्यांमार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और यही अक्षांश रेखा जो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गाय व गुबरेले में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संबंध पाया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कमेंसलिज्म जैव संबंध पाया जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका कारण क्या है, क्योंकि जब दो अलग अलग जाति के दो जीव एक साथ भोजन करते और रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में दोनों को ही लाभ होता है, किसी को भी हानि नहीं होती। तो कमेंसलिज्म जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पोलर वर्टेक्स हाल ही में सुर्खियों में रहा है, पोलर वर्टेक्स क्या है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ध्रुवों के चारों ओर चलने वाले हवा के भंवर को हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। तो दोस्तों यह प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 155 की, तो संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और इसके अनुसार ही राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, उन्हें तो जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार उसी राज्य के राज्यपाल का होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों बताइए कि जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है, किंतु उनकी आयु यदि उससे पूर्व ही 65 वर्ष पूर्ण कर ली जाती है तो उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को निम्न में से क्या अपनाया गया था? तो दोस्तों विचार करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रतीक की तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तारीख याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपना लिया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रगान की तो यह जो है 26 जनवरी से सिर्फ 2 दिन पहले माने 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। बात करें दोस्तों हम राष्ट्रगीत की तो हमारा राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को ही इसे भी अपना लिया गया था। तो दोस्तों तारीख याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से प्रेरित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, विधि का शासन प्रेरित है ब्रिटेन से। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए तब तक अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।